हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुनील अधिकारी। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाला है। अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो कि कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ट्वेल्थ कॉमर्स ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट होने वाला है, मैथ थी आपके पास या फिर नहीं थी वो मैटर नहीं करता, कॉमर्स के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आज का वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ का होने वाला है। 50 से ज्यादा ऑप्शंस, आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि सर कॉमर्स करने के बाद तो गिने चुने हमारे पास ऑप्शन है, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं है। तो आज के वीडियो में आप बच्चों को या फिर आप पेरेंट्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं, एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि हमारे बच्चे के पास, आपके पास कौन कौन से बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं जो कि आपने सोच रखे थे उनके अलावा भी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये ऑप्शंस डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में हमने डिवाइड करे हैं। हम डिग्री कोर्सेज देखेंगे, डिप्लोमा कोर्सेज देखेंगे, सर्टिफिकेट कोर्सेज देखेंगे, जॉब के लिए इंटर्नशिप के पोर्टल्स बताने वाला हूं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है तो किन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को एज अ कॉमर्स स्टूडेंट टारगेट करना है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पावर पैक्ड वीडियो होने वाला है, बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करेंगे डिग्री कोर्सेज की। सिर्फ बीकॉम ही आपके पास एक ऑप्शन नहीं है, बीकॉम के साथ या बीकॉम के अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं डिग्री कोर्सेज में जो कि आप ट्राई कर सकते हो। और अब तो यूजीसी ने भी अलाउ कर दिया है कि एक साथ दो डिग्री आप ले सकते हो। वैसे मैं इतना ये इसके फेवर में नहीं हूं, मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी एक पाथ या एक लाइन चुनते हैं तो डेडिकेटेडली उससे रिलेटेड अगर कोर्सेज करते हैं तो आपको ज्यादा फ्यूचर में बेनिफिट होता है। वो अलग बात है कि आप ट्राई करने के लिए, ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए डिस्टेंस के थ्रू, किसी और यूनिवर्सिटी के थ्रू अगर आप कोई कोर्सेज कर लें तो वो अलग बात है, लेकिन एक टाइम पे दो डिग्री कोर्सेज मुझे इतना जमता नहीं है। आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चलिए सबसे पहले डिग्री प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करेंगे तो सबसे पहला आता है बीबीए। मैनेजमेंट की नॉलेज अगर आपको गेन करनी है, कॉमर्स में बिजनेस रिलेटेड चीजें पढ़ने में मजा आता था तो बीबीए आप चूज कर सकते हैं। बीकॉम में अगर ऑप्शन मिलता है बीकॉम करने का तो बीकॉम ऑनर्स को चूज करिए, क्योंकि वहां पर स्पेशलाइजेशन ज्यादा होती है और आपको डीप नॉलेज गेन करने का मौका मिलता है। बीएफए क्या है हमारा, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का काफी स्पेसिफिक कोर्स है ये, तो जिन बच्चों को भी अकाउंटिंग और फाइनेंस में करियर बनाना है वो बीएएफ कोर्स को चूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक ये कोर्स है, बहुत बच्चों ने नाम नहीं सुना होगा लेकिन बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज बीएएफ कोर्सेस को भी प्रोवाइड कराती है। जो बच्चे सीए नहीं कर रहे हैं, डबल सीए नहीं कर रहे हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली अकाउंटिंग और फाइनेंस की नॉलेज गेन करने के लिए बीएफए कोर्स काफी अच्छा कोर्स है। टेक्निकल आईटी लाइन में जाने के लिए बीसीए कोर्स बहुत ही अच्छा है, कंप्यूटर का नंबर वन कोर्स है जो कि आप ट्वेल्थ कॉमर्स विद मैथ के साथ कर सकते हैं। ज्यादातर इनमें ऑप्शन मैथ रिक्वायर्ड नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जहां पर ज्यादातर कॉलेजेस मैथ की अवेलेबिलिटी चाहते हैं, मैथ होना कंपलसरी मांगते हैं, नहीं तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहां पर बीसीए जैसे कोर्स भी नॉन मैथ बच्चे कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए आपको। बीएचएम होटल मैनेजमेंट का बहुत ही शानदार कोर्स है, दो कोर्सेस हैं बीएचएम या फिर बीएचएम सीटी, दोनों में से कोई भी कोर्सेज आप कर सकते हैं। बीए, जी हां, कॉमर्स के स्टूडेंट बीए कोर्सेज भी कर सकते हैं, स्पेसिफिकली अगर वो यूपीएससी वगैरह को टारगेट कर रहे हैं तो बीए इंग्लिश अच्छा ऑप्शन है, बीए इकोनॉमिक्स अच्छा ऑप्शन है, बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए ज्योग्राफी हिस्ट्री काफी अच्छा ऑप्शन है अगर आपको इन स्पेसिफिक फील्डों में अपना करियर बनाना है या इस फील्ड रिलेटेड आपको नॉलेज गेन करनी है। जर्नलिज्म लाइन में जाने के लिए बीजेएमसी स्पेसिफिक हमारा 4 साल का ये हमारा कोर्स है। बीटीटीएम ट्रेवल एंड टूरिज्म लाइन को टारगेट करता है, तो अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिनको टूरिज्म सेक्टर में अपना कैरियर बनाना है तो वो डेडिकेटेडली बीटीटीएम कोर्स को कर सकते हैं, 3 साल का हमारा ये रेगुलर प्रोग्राम है। बहुत सारे कॉमर्स के बच्चों को सोशल सेक्टर में कैरियर बनाना है तो बीएसडब्ल्यू बैचलर ऑफ सोशल वर्क जैसे कोर्सेज आप 3 साल के कर सकते हैं। लॉ लाइन में कैरियर बनाने के लिए इंडिया का नंबर वन कोर्स है बीएलएलबी, 5 साल का ये इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसको क्लैट एंट्रेंस को क्रैक कर आप एनएलयूज को ज्वाइन कर सकते हैं। बीवो टेक्निकल कोर्स है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया कोर्स है जहां पर वोकेशनल को ज्यादा फोकस करा जाता है। 70% यहां पर चीजें प्रैक्टिकल होती है, 30% थ्योरेटिकल होती है। एलएलबी आप 3 साल का एलएलबी भी कर सकते हैं इफ इनकेस आपने बीकॉम वगैरह में या फिर किसी और कोर्सेज में एडमिशन ले लिया और आपको उस दौरान पता लगा कि मुझे लॉ फील्ड मेरे लिए सही है तो आप एलएलबी फील्ड को चूज कर सकते हैं, बीकॉम के बाद भी 3 साल का एलएलबी भी कर सकते हैं। टीचिंग में कैरियर बनाने के लिए आप 2 तरीके हैं, 12th के बाद ही बीए बीएड कोर्स कर सकते हैं, बीए बीएड 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, या फिर बीकॉम के बाद भी आप 2 साल का बीएड प्रोग्राम कर सकते हैं। सेम वही चीज है फिजिकल एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में जिनको कैरियर बनाना है वो 12th के बाद बीए बीपीएड कोर्स कर सकते हैं 4 साल का, या फिर 2 साल का बीपीएड कोर्स ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। तो ये थे वेरियस वेरियस डिग्री कोर्सेज जहां पर यूजीसी रिकॉग्नाइज कोर्सेज हैं। याद रखिएगा 2024 से ही AICTE के अंडर में बहुत सारे कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज भी अब आ जाएंगे जैसे बीबीए बीसी वगैरह कोर्सेज भी, जो कि पहले
क्या थे, यूजीसी के अंडर में थे, अब ये एआईसीटीई के अंडर में आ जाएंगे, तो कॉलेजेस के रिकॉग्निशन आप वहां से थोड़ा बहुत नॉलेज मैंने दे दी है उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आता है प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज में। आप जानते हैं कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा बूम पे है, बहुत ज्यादा आपने नाम सुना होगा। तो 12th कॉमर्स के बाद अगर आपकी किसी भी एक स्पेसिफिक फील्ड में रुचि है, इंटरेस्ट है, तो उससे रिलेटेड आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज या प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आपकी अकाउंटिंग बहुत अच्छी है तो आप सीए कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं। अगर आपका लॉ सेक्टर में इंटरेस्ट है करियर बनाने का, तो आप ग्रेजुएशन के साथ एक बात याद रखिएगा कि कोशिश करिएगा कि आप जब भी ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज करें, इसके साथ साथ ग्रेजुएशन भी अपना चलते रहने दें, ताकि आपके पास एक बैकअप रहे। कई बच्चे इन सर्टिफिकेशन कोर्सेज में एडमिशन ले लेते हैं लेकिन ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लेते हैं, और इफ इन केस ये नहीं हो पाते हैं सर्टिफिकेशन कोर्सेज, तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने ग्रेजुएशन भी नहीं करा, अब हम क्या करें। तो बेस्ट यही रहता है एक बैकअप के लिए ग्रेजुएशन अपना साथ ही साथ चलते रहने दें, चाहे आप बीकॉम डिस्टेंस से करें या फिर रेगुलर से आप कर सकते हैं। अच्छा, इन सर्टिफिकेशन कोर्सेज क्योंकि ये अकाउंटिंग और फाइनेंस को ज्यादा टारगेट करते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि आप इन कोर्सेज के साथ बीकॉम या फिर बीकॉम ऑनर्स ज्यादा फेवर करें, ठीक है। सीएमए सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फील्ड का, ये हमारा बहुत ही पॉपुलर कोर्स है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। यहां पर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, सीएससीएस इंडिया में बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन है, ग्लोबल में इतना नहीं है, लेकिन यूएस सीएमए जैसे हैं, एडब्ल्यूसीए जैसे, जिसको हम ग्लोबल सीए भी बोलते हैं, सी अगर आप करते हैं तो उसकी इंडिया में बहुत रिकॉग्निशन है, बाहर नहीं है। लेकिन अगर आपको सीए लेवल का ही कोई कोर्स करना है जिसकी ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्निशन है, उस लिहाज से एडब्ल्यूसीए काफी ज्यादा बेटर ऑप्शन है, इसकी रिकॉग्निशन ज्यादा है, टाइम भी कम लगता है, पैसे भी आपको कम देने पड़ते हैं। सीएफए कोर्स सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं। एफआरएम कोर्स भी आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं। आप में से कोई भी बच्चा अगर कोई भी ग्लोबल सर्टिफिकेशन करने जा रहा है, चाहे वो एफआरएम हो, सीएफए हो, एडब्ल्यूसीए हो, सीएमए हो, यूएससीएमए, तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता है, मैं और डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, या फिर आपके लिए एक फ्री काउंसलिंग कॉल भी मैं अरेंज करवा दूंगा, ठीक है बच्चा। तो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की हमने बात कर ली है, अब बढ़ते हैं आगे। बहुत सारे बच्चे ये कोर्सेस नहीं करना चाहते हैं, तो उनके पास और क्या शॉर्ट टर्म कोर्सेज अवेलेबल हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए भरमार है कोर्सेज की, आपको सिर्फ अपना इंटरेस्ट पता होना चाहिए, अपना एप्टीट्यूड पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आप खुद को 5 साल बाद किस पोस्ट पे किस फील्ड में देखना चाहते हैं। आप बिजनेस एनालिटिक्स के कोर्सेज कर सकते हैं, जिसको हम डाटा साइंस के कोर्सेज कहते हैं। इसके लिए मैथमेटिक्स और स्टैट्स अच्छा होना एक प्रीरिक्विस्ट होती है, बहुत जरूरी होता है। स्टॉक मार्केट के कोर्सेज आप कर सकते हैं, फंडामेंटल्स, प्रोग्रामिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है तो उसके कोर्सेज कर सकते हैं। डिजाइनिंग में इंटरेस्ट वाले बच्चे वेब डिजाइनिंग के, एप डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीएफएक्स और एनिमेशन के कोर्सेज भी आप कर सकते हैं अगर आप क्रिएटिव बच्चे हैं। डिजिटल मार्केटिंग के काफी शॉर्ट टर्म कोर्सेज अवेलेबल हैं, 6 मंथ से लेकर 12 मंथ के ड्यूरेशन के, तो आप सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। एथिकल हैकिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है, साइबर सिक्योरिटी में अगर आपको इंटरेस्ट है, तो आप इनके कोर्सेज कर सकते हो। एमएस ऑफिस की स्किल आज के टाइम में आना बहुत जरूरी है, स्पेसिफिकली एडवांस एमएस एक्सेल की, जो एडवांस एमएस एक्सेल की स्किल होती है, काफी ज्यादा यूजफुल रहती है। सैप के कोर्सेज कर सकते हो, सैप बेसिकली हमारा डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर होता है जो कि बड़ी बड़ी ग्लोबल फर्म में यूज होता है, तो आप सैप लेवल के भी कोर्सेज कर सकते हैं। या फिर ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉग्नाइज कंप्यूटर कोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन आईटी लाइन में कैरियर बनाने के लिए, वो भी आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। अकाउंटिंग में कैरियर बनाने के लिए स्पेसिफिकली टैली प्राइम के आप कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है। टैली प्राइम से थोड़ा सा एडवांस होता है हमारा सैप, ठीक है बच्चा। सॉफ्ट स्किल के कोर्सेज में कम्युनिकेशन स्किल को प्लीज टारगेट करें, क्योंकि ये देखा गया है कि कॉमर्स वाले किसी चीज में मात खाते हैं तो वो कम्युनिकेशन में मात खाते हैं, तो प्लीज अपनी कम्युनिकेशन को इंपॉर्टेंस जरूर दें। किसी भी जॉब में स्किल भी मैटर करती है और कम्युनिकेशन भी उतना ही मैटर करता है। 50% इज योर स्किल, 50% हाउ यू कम्युनिकेट योर स्किल टू द वर्ल्ड, टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देन कम्स गवर्नमेंट जॉब, बहुत बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करना चाहते हैं, तो देखिए गवर्नमेंट जॉब के लिए स्ट्रेटेजी क्या रहती है। स्ट्रेटेजी ये रहती है कि हमें चूज करना होता है कि हमें किस सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बैंक में चाहिए, SSC में चाहिए, UPSC में चाहिए, RBI में चाहिए, LIC में चाहिए, क्योंकि सभी एग्जामिनेशन के डिफरेंट अप्रोच और डिफरेंट प्रिपरेशन हमें करनी पड़ती है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक कोई भी एग्जामिनेशन हमें पकड़ना है, एक फील्ड पकड़नी है, उससे रिलेटेड क्या ज्वाइन करना है। जी हाँ, कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है लेकिन ये आज के टाइम में नेसेसिटी है बच्चा, आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या पड़ेगी, क्योंकि अब इन एग्जामिनेशन का लेवल इस लेवल का हो चुका है जहां पर आप सेल्फ स्टडी कर इनको क्रैक नहीं कर पाएंगे। सर हमें तो सेल्फ स्टडी ही करनी है, तो उस केस में कम से कम 2 साल आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, कम से कम 2 साल, तब जाकर आप सिलेबस कवर कर पाएंगे। वहीं पर अगर आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, मैं किसी कोचिंग का यहां फेवर नहीं कर रहा हूं, तो वो आपका सिलेबस 6 मंथ में कंप्लीट कर देते हैं, ताकि आपके पास बचे 1.5 साल। 1.5 साल आप खुद आराम से सेल्फ स्टडी कर लीजिए, उससे 1.5 साल में आपको पता रहेगा मटेरियल क्या है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। और गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में याद रखिएगा, क्या नहीं पढ़ना क्या पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है बच्चा। करना क्या है,
एक फील्ड सेट करनी है, सेलेक्ट करनी है, उससे रिलेटेड एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन करनी, ऑनलाइन लेनी है या फिर ऑफलाइन लेनी, वो सब आपके ऊपर है। वो 6 से 8 मंथ में कंप्लीट हो जाती है। वो करने के बाद जितना भी आपके पास टाइम बचता है उसमें आप सेल्फ स्टडी करें। किसी भी गवर्नमेंट जॉब लगने प्रिपरेशन से लेकर सिलेक्शन तक कम से कम 3 साल लगता है, तो अगर आपके पास इतना टाइम है, इतना टाइम दे सकते हैं, तब गवर्नमेंट जॉब की आप प्रिपरेशन करिएगा। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अब डिप्लोमा कोर्सेज भी देख लेते हैं। कई डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जो आप अपने डिग्री डिप्लोमा के साथ या फिर और कोर्सेज के साथ भी कर सकते हैं। मुद्दा है यहां पर, मेन चीज है, मेन चीज है यहां पर कि आपका इन सेक्टर में इंटरेस्ट होना चाहिए। होटल मैनेजमेंट के शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, हॉस्पिटैलिटी के भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, हॉस्पिटैलिटी होटल्स वगैरह में आप देखते हैं ना, वहां पर रिसेप्शनिस्ट होते हैं, आपका फ्रंट ऑफिस जो एग्जीक्यूटिव वगैरह होते हैं आपके, कहीं ना कहीं आप स्टाफ मेंबर्स देखते हैं ना होटल्स वगैरह में, रेस्टोरेंट वगैरह में, तो उसके पार्ट भी आप बन सकते हैं। तो हॉस्पिटैलिटी के वहां पर टूरिस्ट गाइड वगैरह होते हैं या टूरिज्म सेक्टर होता है तो हॉस्पिटैलिटी का ही पार्ट आता है। टूरिज्म मैनेजमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट है, एडवर्टाइजिंग के शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, फोटोग्राफी के, ये सब क्रिएटिव फील्ड है। देखिए इसके लिए कहीं ना कहीं आपको फैमिली के अगेंस्ट में या फिर उनको कहीं ना कहीं परसुएड करना पड़ेगा। नहीं कर सकते उनको परसुएड, नहीं जाना उनके अगेंस्ट में, तो कहीं ना कहीं छोटे लेवल पे ये सब स्किल्स सीखते रहिए और कहीं ना कहीं मेहनत करते रहिए, ताकि जब आपके ये स्किल इतनी अच्छी लेवल पे पहुंच जाए जहां पर आप इतना अच्छा अर्न कर सकें, तो आप इनको फुल टाइम एज अ कैरियर भी ले सकते हैं। चाहे वो फोटोग्राफी हो, जर्नलिज्म हो, डांस म्यूजिक हो, हेल्थ और फिटनेस हो, डिजाइनिंग हो या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए अगर कुछ बड़ा करना है लाइफ में तो आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा या फिर शुरुआत से ही वो अवेयरनेस रखनी पड़ेगी कि मेरा इंटरेस्ट पर्सनैलिटी किस फील्ड से ज्यादा मैच करती है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस बता रहा हूं। एंड ऑफ द वीडियो एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा या एक चीज आपको बताऊंगा जो कि आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे हमने ऑप्शन से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी या आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा वो चूज करने के मैं 3 तरीके बताऊंगा एंड ऑफ द वीडियो, वो भी सुनना मत भूलिएगा। ठीक है, टॉप पोर्टल्स की बात कर लेते हैं। कई बच्चे 12th के बाद ही जॉब करना चाहते हैं, तो जॉब देखिए परमानेंट जॉब मिलना या डायरेक्टली बहुत अच्छी सैलरी की जॉब मिलना तो आज के टाइम में वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे 12th के बाद लाखों कमाइए, ये कमाइए, सब स्कैम है। ठीक है, आपको बिगिनिंग लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। रीजन बिहाइंड, क्योंकि 12th तक आपको जो रियल लाइफ स्टडी हुई है, जो एक्चुअल में जॉब में रिक्वायरमेंट होती है, वो है जीरो। सिर्फ आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है और थोड़ी बहुत जो भी नॉलेज है वो स्कूल लेवल की है, कॉलेज लेवल की है, वो जॉब मार्केट में एप्लीकेबल नहीं होती है। समझ में आ पा रही है, और बहुत सारे बच्चे इससे रिलेट कर भी पा रहे होंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको वो स्किल सीखनी पड़ेगी। 2 तरीके हैं देखिए, अच्छी जॉब पाने के या अच्छी इंटर्नशिप पाने के 2 तरीके हैं। जो कोर्सेज आप कर रहे हैं उसमें एक एक्सपर्ट लेवल पे जाइए, ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट जॉब पोर्टल्स जो भी हैं, इंटर्नशिप के पोर्टल्स जो भी हैं, वहां पर जाकर अपनी स्किल बता सकें कि मैं इस काम में अच्छा हूं। क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तो आप कैसे मार्केट में जाके बता पाएंगे कि मुझसे क्या काम आप करवा सकते हैं। जब आपने कोई काम सीखा होगा तभी तो वो काम के बारे में बता सकते हैं कि मैं इस काम में अच्छा हूं। तो पहले एक स्किल सीखनी होती है, उसमें अच्छा बनना पड़ता है, तब जाकर आप हाई पेइंग जॉब्स को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी थोड़ी बहुत बेसिक शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर लिए, सर्टिफिकेट कोर्सेज कर लिए, नॉलेज गेन कर ली, जॉब मार्केट में एंट्री लेनी है क्योंकि पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो उस लिहाज से ये सारे पोर्टल्स मैंने आपके लिए लाया हूं। इनमें आप अपना रिज्यूमे डाल सकते हैं, वहां पर ओपनिंग्स होती है, उसके लिए अप्लाई करिए। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन यहां पर जॉब कर सकते हैं। ठीक है, इंटर्नशाला, लिंक्डइन, मॉन्स्टर, नौकरी.com, इंडीड.com, लेट्स इंटर्न, इंटर्न वर्ल्ड, चेक सब्जेक्ट एक्सपर्ट, यूथ फॉर वर्क, फ्रेशर वर्ल्ड, इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्किल के अकॉर्डिंग है। जैसे चेक सब्जेक्ट एक्सपर्ट, अगर आपको टीचिंग फील्ड में किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, नॉलेज है, वो शेयर करना चाहते हैं और लोगों के साथ, तो आप इसमें अपना अकाउंट बना सकते हैं। यूथ फॉर वर्क है, फ्रेशर्स वर्ल्ड है, तो डिफरेंट डिफरेंट जॉब पोर्टल से इसमें अपना बायोडाटा रिज्यूमे अपलोड करिए, आपको जॉब के यहां पर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। पेड यहां पर इंटर्नशिप होती है, कई जगह फ्री भी होती है, तो मुझे नहीं लगता आपको संकोच करना चाहिए अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, क्योंकि ये वो टाइम है आपका करियर का जहां पर आपको लर्न करने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और जब आप लर्न करने पे ज्यादा फोकस करेंगे तो ये लर्न कब अर्न में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है बच्चा, तो ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए। अब उस क्वेश्चन पे मैं आता हूं कि ये कैसे पता लगे कि सर कौन सी फील्ड हमारे लिए है। बहुत सारे मैंने कोर्सेज बताए, बहुत सारे ऑप्शंस बताए, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स आपके पास ऑप्शंस मैंने शेयर करे। देखिए बच्चा, हमारे पास 3 तरीके होते हैं। दुनिया में सिर्फ 3 ही ऐसे तरीके हैं जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा कोर्स, कौन सा ऑप्शन, कौन सा कैरियर सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका यह है कि आप जो भी मैंने कोर्सेज बताए हैं उनमें से जो भी आपको पसंद आ रहा है, जो भी लग रहा है कि यार ये मैं कर सकता हूं, वो कोर्सेज करिए। एक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। ठीक है, वो कोर्सेज करेंगे तभी पता लगेगा कि ये कोर्स मेरे लिए है या नहीं है। क्योंकि बार बार से देखोगे तो सभी चीज अट्रैक्टिव लगती है, जब उस कोर्सेज को 1 से 2 महीने में करोगे, एक्चुअल में प्रैक्टिकली उसको यूज करोगे, तब जाके पता लगेगा। लेकिन इस ऑप्शन का नेगेटिव क्या है? नेगेटिव यह है कि इसमें टाइम भी वेस्ट होगा। वेस्ट तो क्या होगा, टाइम लगेगा,
और पैसे भी यहां पर लगेंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज करेंगे तो कहीं ना कहीं पैसे भी हमें खर्च करने पड़ेंगे। तो पहला तरीका ये है, ठीक है, कि क्या करना पड़ेगा, ट्राई करिए वेरियस वेरियस ऑप्शंस ट्राई करिए। अगर आप ग्रेजुएशन करें तो उसके साथ साथ वेरियस कोर्सेज ट्राई करिए। टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगी, पैसा भी लगेगा, लेकिन वो अगर मिल गया पहले ही बार में, वो ऑप्शन मिल गया जिसमें आपको लगता है कि यार ये फील्ड मेरे लिए है, तो हो सकता है आप उसी फील्ड को लेकर लाखों कमा सके, उसमें ही अपना जिंदगी भर कैरियर बना सके। तो देखिए यहां पर मतलब 50-50 है, अगर मिल गया तो अच्छा है, नहीं तो आपने एक्सप्लोर कर लेंगे वेरियस वेरियस फील्ड की, आपको नॉलेज हो जाएगी, टाइम और मनी लगता है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा बेस्ट जो ऑप्शन है मेरे नजर में, क्योंकि मैं खुद एक कैरियर काउंसलर हूं, मेरे नजर में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि आप अपनी एक प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग करवाएं। इंडिया में ऐसे ऐसे कैरियर काउंसलर हैं या इतने बेस्ट कैरियर काउंसलर हैं जो कि आपको पूरी कुंडली तैयार करके दे देंगे आपकी, ठीक है। एक साइकोमेट्रिक लेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड सब कुछ पता लग जाएगा, ताकि आप, हो सकता है आप जानते भी नहीं हो अपने बारे में, वो सारी चीजें साइकोमेट्रिक के थ्रू पता लग जाती है। वो साइकोमेट्रिक के बेसिस पर आपका पूरा एक कैरियर काउंसलर रोड मैप बना के देते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, पूरा आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं वेरियस वेरियस फील्ड से रिलेटेड सब कुछ आपको बताते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, प्रॉपर अपनी कैरियर काउंसलिंग करवाना जिसमें पैसे खर्च होते हैं। तीन ऑप्शन में सबसे ज्यादा पैसे इसी में खर्च होते हैं आपके, लेकिन ये टोटली वर्थ इट होते हैं, टोटली वर्थ इट होते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म कोर्सेज करें, डिग्री करें, डिप्लोमा करें, कम से कम आप 3-6 लाख रुपए लगवा रहे हो कहीं पर भी, कोई भी डिग्री कोर्सेस कर लो, कोई भी मास्टर लेवल के कोर्सेस कर लो, उसका ये 0.1% ही होगा। लेकिन अगर आप इतने पैसे लगाने से पहले ये अगर श्योर कर लो कि ये फील्ड मेरे लिए है या नहीं है, या जो मैं कोर्स करने जा रहा हूं इसमें मेरी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो सिर्फ आपको कैरियर काउंसलिंग ही प्रोवाइड करा पाएगी, ठीक है बच्चा। तो पहला ऑप्शन क्या था, सारे ऑप्शन ट्राई करके देखो, जो भी आपको ठीक लगता है वो आपको चूज करना है, लेकिन उनमें टाइम और मनी वेस्ट होता है। सेकंड ऑप्शन सबसे बेस्ट है, एक प्रॉपर अपनी कैरियर काउंसलिंग करवाइए। अगर आप चाहते हैं अपनी प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग करानी, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ईमेल आईडी दी है, ठीक है, आप ईमेल कर सकते हैं मुझे, या फिर इंस्टाग्राम अगर आप यूज करते हैं तो वहां पर डीएम कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। याद रखिएगा, प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग करवानी है, पैसे खर्च होंगे लेकिन मतलब डेडिकेटेड आपका साइकोमेट्रिक होगा, एक नहीं दो साइकोमेट्रिक होंगे, 3-4 आपकी वीडियो कॉल होगी काउंसलर्स के साथ, इंडिया के बेस्ट काउंसलर्स के साथ पूरा रोड मैप डिस्कस होगा, लाइफ टाइम आपको सपोर्ट मिलेगा। तो आपको क्लियर कट बता देंगे कि यार क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, इंडिया में पढ़ना है फॉरेन में पढ़ना है, सब कुछ आपको सारी डिटेल आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये था सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन थोड़ा अफोर्डेबल है, अच्छा है लेकिन अफोर्डेबल है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है कि कहीं ना कहीं आपको ये एनालाइज तो करना ही पड़ेगा कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, मैं किस मेरा जो पैशन है किस फील्ड में है। तो उसके लिए देखो एक साइकोमेट्रिक तो आपको देना ही देना पड़ेगा, ये तो प्री रिक्वेस्ट होती है, देखो इसके बिना नहीं जान सकते आप कि आपका इंटरेस्ट क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, मोटिवेशन क्या है लाइफ का। तो एक साइकोमेट्रिक दे दीजिए, बहुत ही अफोर्डेबल रहता है। उस साइकोमेट्रिक के बेसिस पे जो मैं रिकमेंड करता हूँ, याद है ना आइडल कैरियर टेस्ट जो मैं रिकमेंड करता हूँ, वो अगर साइकोमेट्रिक देते हो ना तो उसके बेसिस पे जो रिपोर्ट जनरेट होती है ना वो आप खुद ही पढ़ सकते हो। तो जो काउंसलर की फीस वगैरह है वो आपको पे नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो ये जितना भी आपका सेकेंड वाला ऑप्शन में खर्चा होता है ना वो बच जाता है, क्योंकि आप साइकोमेट्रिक जो करवा रहे हैं वो खुद ही पढ़ रहे हैं उस रिपोर्ट को, और जो मैं रिकमेंड करता हूँ साइकोमेट्रिक उसकी रिपोर्ट्स आप इजीली पढ़ सकते हो, वो आपके इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड के हिसाब से टॉप 3 कैरियर सजेस्ट करके देती है। उसके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लस एक कंप्लीट वीडियो भी बनाया है उस साइकोमेट्रिक के बारे में, कैसे आप खुद ही साइकोमेट्रिक देकर, घर बैठे देकर, रिपोर्ट्स को पढ़कर अपने कैरियर को डिसाइड कर सकते हैं, वो सारी डिटेल मैंने शेयर करी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है सबका। समझ में आ पा रहा है बच्चा? तो ये तीन ऑप्शन है। पहला सबसे सस्ता इन द सेंस है किसी एक्सटर्नल पार्टी की हेल्प नहीं लेनी पड़े, सस्ता तो नहीं बोलूंगा, कोई भी कोर्सेस करने में पैसे तो लगता ही है, तो उस सेंस में वेरियस वेरियस ऑप्शंस ट्राई करने पड़ेंगे, टाइम बहुत लगता है और इफ इन केस आपके पास टाइम कम है तो मैं ये पहला ऑप्शन रिकमेंड नहीं करूंगा, टाइम और मनी लगेगा वेरियस ऑप्शंस को ट्राई करने में, ठीक है। दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्रॉपर अपनी कैरियर काउंसलिंग कराइए, उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तीसरा तरीका है जिसके ऊपर मैं पिछले कम से कम 5-10 वीडियो से बात करता हुआ आ रहा हूं कि साइकोमेट्रिक दो अपना, साइकोमेट्रिक के बेसिस पे आपको सब कुछ पता लग जाता है और आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, घर बैठे आपके पास टेस्ट देने के बाद जस्ट बाद रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के बाद खुद ही रिपोर्ट पढ़कर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट कोर्सेस कौन से करने, कौन से फील्ड में आपका ज्यादा सक्सेस के चांसेस है, ठीक है। तो ये तीन तरीके मैंने बता दिए, चौथा तरीका एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में, ठीक है। ये तीनों तरीके हैं, ये सिर्फ तीन तरीके हैं कोई भी सही कैरियर को डिसाइड करने में, कोई भी राइट कैरियर को चूज करने में। समझ में आ पा रही है बच्चा? चलिए, आई होप सो इंफॉर्मेशन वैल्यूबल रही होगी, इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर पाएंगे। इन तीनों में से एक ऑप्शन तो आप चूज करना ही करना है, चाहे मेरी हेल्प लें या किसी और की हेल्प लें, कोई कोर्सेज करें या कोई कोर्सेज ना करें, तो कहीं ना कहीं किसी एक ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट तो होगी आपको जो आपको राइट गाइडेंस प्रोवाइड कर सके, ठीक है बच्चा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।